हेलो एवरीवन, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे महाराष्ट्रियन मिर्ची ठिचा। तो इसके लिए मैंने ली है कुछ हरी मिर्च और इनको मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था और थोड़ा सा तवा गरम करेंगे और इनको इस पर डाल देंगे। डालने के बाद इन्हें चलाते हुए भून लेंगे और उसके बाद मैंने डाली है कुछ लहसुन की कलियाँ और उनको भी डाल के भून लेंगे। और उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल। तो तेल डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें कुछ सींग और उनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। महाराष्ट्रियन मिर्ची ठेचा यहाँ सबकी फेवरेट चटनी है और जितनी बनाने में आसान है, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें नमक और इसको हम चला लेंगे। तो गैस को हमें एकदम स्लो ही रखना है, तेज़ नहीं करना है, उसे कम पे ही भूनना है। और इसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें जीरा और इसको भी हम चला लेंगे। तो इन सब को भूनने के बाद अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसको डाल लेंगे हम जार में। आप चाहें तो इसे इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं या फिर सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। तो मैंने निकाला है इसको एक कटोरी में और इसके लिए बनाई है मैंने चपाती और इसे चपाती के साथ सर्व किया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक और शेयर ज़रूर करना और इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।